गुड मॉर्निंग बच्चों, ये कक्षा 5th के लिए है। पाठ 16 करमवीर, ये एक कविता है। किसने लिखी है? ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ये इन्होंने ये कविता लिखी है। मैं आपको इसका सारांश बता दे रही हूँ। इस कविता में क्या बताया है ये मैं आपको समझा दे रही हूँ कि जो करमवीर लोग होते हैं वो क्या हैं, घबराते नहीं हैं। बाधाओं को देखकर, कठिनाइयों को देखकर वो कभी भी घबराते नहीं हैं। वो हंसते हंसते कठिनाइयों का सामना बड़े आसानी से कर लेते हैं और उस समस्या का हल भी निकाल लेते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं, कितना ही परिश्रम कर लें, जो कर्मवीर लोग होते हैं कितना ही परिश्रम कर लें वो थकते नहीं हैं। वो अपने भाग्यवादी नहीं होते, वो भाग्य के सहारे बैठते नहीं हैं। वो क्या करते हैं, जो काम करना है वो करके ही दिखलाते हैं। ये नहीं है कि भाग्य में ये लिखा है तो यही होगा, ऐसा नहीं। भाग्य के सहारे नहीं बैठते, वो भाग्यवादी नहीं होते। और जो उनके मन में आता है वही करते हैं। दूसरों की सुनते जरूर हैं लेकिन करते अपनी मन की है। और ऐसे जो कर्मवीर व्यक्ति है कभी भी कठिनाई से घबराते नहीं हैं। इस कविता में ये बताया गया है। अब मैं शुरू कर रही हूँ पढ़ना, ध्यान से। देख कर बाधा विविध बहु विघन घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। क्या इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है, कवि क्या कहना चाहता है कि जो कर्मवीर लोग होते हैं वो कठिन कठिनाइयों को देखकर, मुसीबतों को देखकर, बाधाओं को देखकर घबराते नहीं हैं। वो भाग्यवादी नहीं होते, वो भाग्य के भरोसे नहीं बैठते, वो खुद करने पर विश्वास रखते हैं। और काम कितना भी कठिन हो वो कभी घबराते नहीं हैं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, भीड़ में चंचल होते हैं लेकिन वो अपने आप को वीर, अपने आप से ये नहीं कहते कि मैं वीर हूँ, मेरी प्रेज करो, मेरी प्रशंसा करो, ऐसा वो कभी नहीं कहते। और वो इतनी समस्याओं का समाधान इतनी चतुराई से कर लेते हैं कि वो उनके जो बुरे दिन भी होते हैं वो अच्छे लगने लगते हैं। समस्याओं का समाधान हो जाएगा तो दिन अच्छे आ जाएंगे। और ऐसे वीर सब जगह मिलते हैं, ये नहीं कि कहीं कहीं मिलते हैं, सब लोग होते हैं। वो कर्मवीर हमें सब जगह मिल जाते हैं जो कि फले फूले होते हैं। आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखलाते हैं वही। मानते जी की हैं सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। भूल कर भी दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है, आज करना है, ये जो काम आज करना है वो उस काम को आज ही करते हैं। ये नहीं कि कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, ऐसा नहीं है। वीर कर्मवीर लोग व्यक्ति क्या सोचते हैं कि जो काम आज करना है वो आज ही कर लें। और जो सोचते हैं लेकिन वो ये नहीं है कि सोचते कहते जो कुछ कर दिखाते वही, जो वो सोचते हैं वो ही करके दिखाते भी हैं। मानते जी की हैं सदा, सुनते हैं सदा सबकी कही, वो अपने मन की मानते हैं और सुनते सबकी हैं। जो मदद करते अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर भी दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं। कर्मवीर व्यक्ति दूसरों के ऊपर आश्रित नहीं रहते, दूसरों पर निर्भर नहीं रहते और वो अपनी मदद खुद करते हैं। कौन ऐसा काम है वे कर सकते नहीं, ऐसा कोई सा भी काम नहीं है वो कर्मवीर व्यक्ति नहीं कर सकता है। वो सारे काम, कठिन से कठिन काम भी बड़ी आसानी से कर लेते हैं। चिल चिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठना। कोस कितने भी चले हों वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं।
इस पैराग्राफ में कवि कहना चाहता है कि चिलचिलाती धूपों मतलब कठिन परिस्थितियों को भी आसानी से वो ख़त्म कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, और ऐसा कोई सा भी काम नहीं है जो वो कर नहीं सकते। वो मुसीबतों के समय भी मुसीबतों को भी हंस के ख़त्म कर देते हैं और उसका काम सरल हो जाता है। क्या है, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं है जिनके है जी में यह ठना। क्या कवि कहना चाहता है, कर्म भी सभी दुख और परेशानियों को सुख और खुशी में बदल देते हैं। वह किसी भी समस्या का समाधान बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। कोस कितने ही चलें पर वे थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। कितना भी वे कठिन परिश्रम कर लें वे कभी थकते नहीं हैं। किसी भी समस्या का हल वे बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। बच्चों, ये आपको अपने एक पेज सुलेख लिखनी है और कठिन शब्द शब्दार्थ करने हैं। इसके अब इस लेसन के हैं कठिन शब्द, बाधा, रुकावट, शब्दार्थ है, सॉरी सब शब्दार्थ है, बाधा, रुकावट, विघ्न, काम बिगड़ना, विघ्न काम बिगाड़ना, जगत संसार विविध तरह तरह के, काल समय, गांठ खोलना, रहस्य खोलना या समस्या का हल करना या समस्या का हल निकालना। बच्चों, ये दो दो बार करने हैं, एक पे सुलेख लिखनी है, तरीके से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, मैंने इस लेसन को समझाया है, और कार्य पत्र पुस्तिका जो पीछे दे रखी है उसको भी आप खुद करेंगे। जब मैं ये लेसन पूरा कर लूँगी तब आप खुद करेंगे। धन्यवाद।